हर एक जनता को विश्वास है पूरी जनता को कि 2014 से भी ज़्यादा भारी बहुमत से मोदी जी केंद्र में सरकार बनाएंगे, कि बेगूसराय इस चुनाव में अपने मान सम्मान की रक्षा करेगा, राष्ट्र होगा तो मंदिर भी होंगे। मुद्दा यही है, सबको शिक्षा सबको काम, मजदूर को मजदूरी, किसानों को उनके फसल का दाम, महिला हो या पुरुष, ब्राह्मण हो या दलित, हिंदू हो या मुसलमान, सबको मिले बराबर का आत्म सम्मान। नहीं, इस चुनाव में केवल राष्ट्रवाद, सबका विकास सबका साथ, न्याय सभी को, तुष्टिकरण किसी का नहीं, ये सब पर भारी है। और इसी विकास और राष्ट्रवाद से बौखला करके सारा विपक्ष इकट्ठा हुआ है। विपक्ष ने इकट्ठा होने से पहले हार मान ली। मैंने कभी भी धर्म, जाति, भाषा, लिंग, आर्थिक स्थिति, इन चीज़ों के आधार पर मैंने कभी भी भेदभाव नहीं किया। मोदी के सामने कोई टिक नहीं सकता, मोदी के कद से भयभीत हैं, मोदी के विकास से भयभीत हैं। सबके मन के अंदर ये बात बैठ गई है कि हम प्रधानमंत्री जी मोदी जी को ही बनाना चाहते हैं। केवल जुमलों पर विश्वास न रखिएगा, सच्चाई क्या है, उम्मीदवार का बैकग्राउंड क्या है, इन मुद्दों के आधार पर इस बार आप अपना कीमती वोट प्लीज दीजिएगा। यहाँ के नेताओं ने एक स्वर में कहा कि वैभव गहलोत टिकट मिलना चाहिए कांग्रेस का, वो मिला और वो कैंपेन किया, शानदार कैंपेन हुआ, हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का आसनसोल में या बंगाल में जीतने का एक ही रास्ता है कि वो बहुत बड़े पैमाने में वोट लूट करे। आज आसनसोल से पश्चिम बंगाल से चुनावी हिंसा की जो घटनाएं न्यूज मीडिया के माध्यम से आगे आ रही हैं वो चिंताजनक हैं। मेरा आग्रह है इलेक्शन कमीशन से कि वो कड़ी सख्ती वहां पर बरतें। मैं कह रहा हूं कि बंगाल में एक जन जागरण हो रही है, लोग चाह रहे हैं कि वो अपना वोट दे, वो कह रहे हैं कि सेंट्रल फोर्सेस दीजिए और हमारा वोट लीजिए, ये हम बंगाल में पहले देखा नहीं। की इश्यूज मुंबई के वही है जो मैं हर वक्त अपने चुनाव के वक्त भी बोल रही हूँ, डेवलपमेंट ऑफ मुंबई। मुंबई कर जिस रूप से जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, उस मुंबई कर ने आगे आके वोट करना चाहिए, तो मुंबई कर को बिल्कुल परीक्षा में पास होंगे क्योंकि हमने तैयारी बहुत अच्छी की थी। मोदी लहर नहीं, मैंने कहा मोदी सुनामी होगी, जो विरोधी जो पार्टियां एक साथ मिलकर सिर्फ खुद के फायदे के लिए आई है उनको खत्म कर देगी। मोदी सरकार को लेकर के भी एक भयंकर अंडर करंट मुझे दिखा है और ऐसे में दिख रहा है कि एक कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त प्रतिसाद, जबरदस्त आशीर्वाद मिलेगा इस चुनाव में, और मैं 100% नहीं 1000% चुन करके आऊंगा।